50,000 रुपए यार, 50,000 रुपीज, वो अपना मुंह पीट रहा है कि मैं अपने बच्चों को ईद पे कपड़े कहां से दिलाऊंगा, मैं तो ना अफ्तारी करा पा रहा हूं ना सहरी करा पा रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप सोचो यार क्या कयामत हो गई है। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था एक महीने पहले भाई, आज 5 किलो नहीं आ रहा, 860 रुपए का 5 किलो आटा है। अगर आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड सड़कों में क्यों सो रहे हैं आजकल? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नोट किया आपने कि सिक्योरिटी गार्ड सड़कों पे सो रहे हैं? और क्यों? गौर नहीं किया? जब 12,000 रुपए तनख्वाह होगी, बस के अंदर आपका लग रहा है 80 रुपए एक स्टॉप का, 80 रुपए दूसरी बस का, 160 जाने का, 160 आने का, जब 9,000 तुम्हारा बस का पैसा लगेगा, 3,000 महीने का बचेगा, तुम खुद दिन में कुछ नहीं खाओगे, तो बीवी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, घर का किराया क्या? तो अब गार्ड कह रहा है मैं सड़क पे सोऊंगा, सुबह उठूंगा नाले में अपनी पैंट धोऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, दरवाजे खोलता रहूंगा दिन भर सेठों के लिए। ये है गार्ड। और जो MBA लड़के हैं ना कराची के, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, रक्षे और चिंचियां चला रहे हैं। क्यों? प्राइवेट नौकरी में 30,000 से ऊपर कौन दे रहा है यार? या फिर भी कुछ ना कुछ 35,000 से ऊपर कौन दे रहा है? वो 35,000 में तलाकें हो रही है लोगों के घरों में, माँ बीमार है तो इलाज नहीं करा सकते, माफियाज का राज है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर वो टेस्ट लिख के देता है जो हाई लाख रुपए का। क्यों? डॉक्टर भी उस माफिया का हिस्सा बन गया, सब डॉक्टर नहीं लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, वो टेस्ट लिखेगा तो उसको आधे पैसे वापस मिलेंगे ना। हमारे लोगों का क्या हाल हुआ यार? सब बुरे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, नेटवर्क बने हुए हैं। हुकूमत को सोचना पड़ेगा, अगर इन्होंने लोगों के लिए कोई ग्रांट नहीं दी, रमजान ग्रांट नहीं, रिलीफ पूरे साल, देखिए सड़कें हमारे पास नहीं है, पानी हमारे, हम गटर का पानी पीते हैं भाई, गटर का, और अगर जिंदा रहना है तो जो पानी खरीदोगे उसका 9,000 रुपए बिल बनता है, और वो भी हमें पता है वो कोई फिल्टर विल्टर नहीं होता, वो खाली हमें दिल को मुतमईन करने के लिए 2 नंबर पानी भर के दे रहा है। तो भाई लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा है यार। आप सोचो 40,000 रुपए के अंदर 20,000 रुपए घर का बिल चला गया, रेंट 15,000 के, इलेक्ट्रिक ले गई तुमसे, 5,000 में जिंदा कैसे रहेंगे? इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको छोड़ दिया, वो कल वजीर आजम बन जाएंगे, वो मिनिस्टर बन जाएंगे। तुम्हारी बीवी अपनी सालगिरह पे गिफ्ट मांगती है, दे सकते हो? बोलेगा 5 साल से नहीं दिया। कहे अपनी माँ को दवाई दे सकते हो? कहेगा हाँ, मेरी माँ की शुगर की दवाई 1,300 रुपए की आती थी 2 साल पहले, आज वो दवाई 7,000 की। मैंने कहा अम्मी मर जाओ, खुदा से जाके शिकायत करना कि मैंने वो बच्चा जिसको पेट में पाला था ना, 9 महीने पेट में रखा, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और जब वो माँ मर रही है यार, 40,000 की खबर, 15,000 की मैयत। बस अभी कल पोस्ट चल रही थी एक प्राइवेट अस्पताल की, एक शख्स की माँ की मैयत नहीं दे रहे, कह रहे 7 लाख दोगे तो मैयत मिलेगी। लोगों के पास दफनाने के पैसे नहीं है, बात ही खत्म हो गई। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे ऑफिस में लड़का आया, लड़का यंग लड़का आया, उसने आके ऑफिस में पता क्या बोला? उसने बोला कि सिर्फ 25,000 रुपए दे दे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे बेटे की मैयत 3 दिन से रखी, दफनाने के पैसे नहीं, मैं किसी से बोल नहीं सकता। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बेहसी जमाने में। लड़के को भेजा, लड़का गया, कसम खुदा की उसकी बच्चे की मैयत 3 दिन से रखी थी, सिर्फ 25,000 रुपए मांग रहा था। मैंने कहा मैयत बस के पैसे तो बोला, मैं गरीब हूं, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, एम्बुलेंस में मैयत भेज दो। समझे आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ फकीर माफिया थी? ये ठेले वाले जो है ना, ठेले वाले, ये एक आदमी का ठेला होता है, वो 7,500 का ठेला खरीदता है, 2,200 रुपए का तराजू और उसके वेट लेता है, और उसके बाद सब्जी उठाता है 10 लाख रुपए की, सारे ठेलों पर अपने रख देता है।